हेलो बच्चों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। कल के लेक्चर में, ऐसे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और वैंक ऑफ फैक्टर क्या है। ठीक है, तो जो चार प्रॉपर्टीज हमने कही थी, उसमें पहली प्रॉपर्टी थी आर एल वी पी, विच वॉज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें छोटी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो हम बात बात करेंगे। और एक और पार्ट होता है इसका, विच इज़ दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मेजर करना होता है थ्रू ऑसवर्ड वॉकर मेथड, वो हम करेंगे। तो इन जनरल हमने जो उसका फॉर्मूला देखा था, वो व्हाट वाज इट, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी, विच विल केम आउट टू बी इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आया, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, पी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली आ गए। गॉट इट। ये कब के लिए हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले कब के लिए, व्हेन आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, व्हेन आई इज इक्वल टू वन। हमने वहां पे कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात नहीं की थी जब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे वहां पे डिराइव किया था। ठीक है, अब मान लो आई इज नॉट इक्वल टू वन, आई इज नॉट इक्वल टू वन, तब क्या होगा, तब या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो जो मतलब जितने पार्टिकल्स हमने डाले थे, जरूरी नहीं है कि उतने ही पार्टिकल्स हैं। अगर डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और एसोसिएट हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे। तो हमने कल आई का फॉर्मूला क्या निकाला था, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर सोल्यूट पार्टिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज बेसिकली द सेम एज देयर मोल्स। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मोल्स भी रखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो भी लिख सकता हूँ। तो रादर देन गोइंग विद दिस, आई विल राइट दैट आई इंटू या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएट। ये पार्टिकल्स इन जनरल नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, चाहे तो मैं लिख लो, कंफ्यूज मत होना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं जो बाद में हमारे पास पार्टिकल्स आए हैं, दे आर इक्वल टू आई या नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स आफ्टर बी और ए, वो क्या होगा, आई इंटू एक्स बी। एक्स बी तो हमने जो कैलकुलेट किया है, आई इंटू एन बी, नॉट एक्स बी, जो हमने कैलकुलेट सॉरी जो हमने डाला था वो एन बी थे, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डालने के बाद उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद जितने बचेंगे, जैसे यूं समझो कि मैंने केसीएल का एक मोल डाला, तो वन मोल जो हमने डाला वो तो केसीएल का वन हो गया। ठीक है, अब केसीएल 100% टूटता है, केसीएल 100% टूटता है और दो पार्टिकल में टूटता है, तो उसका आई इक्वल्स टू टू आएगा। ये कैलकुलेट कर लेना, जब अल्फा इज इक्वल टू वन होता है तो आई इज इक्वल टू एन होता है, एन कितना है केसीएल के लिए, टू, आई इक्वल टू टू, यहाँ टू इंटू वन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, टू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम यूज करेंगे, या जो इसको है हम यहां पे यूज करेंगे, तो यही फॉर्मूले जो कि आई इक्वल टू वन के लिए ये है, तो आई नॉट इक्वल टू वन के लिए यही फॉर्मूले हो जाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आई एन बी अपॉन एन ए प्लस आई एन बी। नंबर ऑफ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स में तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे कुछ, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए था ना, तो बस इतना हो जाएगा, आई एन बी अपॉन एन ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा और क्या चीज थी एक, जैसे इसमें तुम कहीं पे लिखा देखोगे कि उसने आई इंटू एक्स बी कर दिया, आई इंटू एक्स बी, हालांकि बहुत इनकरेक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी गलत आंसर आ सकता है, तो करेक्ट जो है वो यूज करो, ठीक है, इसको यूज करना है अगर आई इज नॉट इक्वल टू वन है तो, ठीक है, ये बट ये मैं मिटा रहा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई बेसिक, ठीक। अब अगर मान लो एक इसका यूज होता है, इनफैक्ट ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इनका जो मेन यूज है, इनका मेन यूज इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, दे आर यूज फॉर डिटर्मिनिंग द मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। तो होता क्या है, हम एक, क्योंकि हमारे हमें हमेशा हर एक सोल्यूट का, हर एक पार्टिकल का या हर एक कंपाउंड का मास नहीं पता होता, हम क्या करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने उसके 100 ग्राम्स लिए या 50 ग्राम्स लिए और 1 लीटर पानी में या किसी और सॉल्वेंट में मिला के उसका एक सोल्यूशन बना लिया। अब हम उसका आरएलवीपी देखेंगे, उसने वाटर के वेपर प्रेशर को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना कम किया है, या उसका आरएलवीपी कितना है, तो उससे हमें उसके मोल्स पता चल जाते हैं, या उसका सॉरी उसका मोल फ्रैक्शन पता चल जाता है, और जिससे हम उसके मोलर मास को निकाल सकते हैं। जैसे कि आरएलवीपी क्या है, आरएलवीपी है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स, या पी ए ले लेते हैं, या फॉर्मूला ले लेते हैं, तो ये कितना था, आई एन बी अपॉन एन ए, तो ये तो हमें नोन होता है, जो भी सॉल्वेंट है हम उसकी बात उसको नोन रखते हैं, उसका मास भी और उसका मोलर मास भी, ठीक। इसको अगर हम खोल के लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एन ए, ठीक है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मतलब एन बी, तो एम बी को इधर लिया बाकी सबको नीचे लिया, तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसका, एम बी मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एन ए इंटू पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। तुम्हें फॉर्मूला ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम इसी से कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें अब तक याद हो गया होगा, बस इसमें क्या करना है, एन बी को डब्ल्यू बी अपॉन कैपिटल एम बी लिखना है, और कैपिटल एम बी हमको जानना है, ये तो हमें गिवन होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आर एल बी पी की, ये कुछ ना उसका मास दिया होगा, मास दिया होगा तो उसका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पता होगा तो उसका मोलर मास भी पता चल जाएगा, तो उसके मोल्स पता चल जाएंगे, ये भी हमें गिवन होगा। उसमें आई आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अल्फा गिवन है और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, या फिर अगर उसका एसोसिएशन हो रहा है तो आई क्या है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्लियर हो गई भाई बात ये। अच्छा अगर मान लो आई इक्वल्स टू वन है तो कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस आई की जगह क्या कर देना है, वन लिख देना, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला किसके लिए हुआ, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू वन, व्हेन आई इज इक्वल टू वन देन एम बी क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एन ए इंटू पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो मास आया है ये नॉर्मल मोलर मास आया है, और ये जो आया है ये एबनॉर्मल मोलर मास आया है, क्यों, क्योंकि यहां पर ना तो एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, इसका मतलब जो एक्चुअल मोलर मास था उस कंपाउंड का, जो भी हमने सॉल्यूट मिलाया उसका मोलर मास ही आएगा जो एक्चुअल में है, लेकिन यहां पे क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब या तो एसोसिएशन हो रहा होगा या डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो उस वक्त जो ये मास आएगा दिस विल बी एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, इट विल नॉट बी द एक्चुअल मोलर मास, ये ध्यान रखना है, ये नोट करके लिख लेना इस बात को, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड, तो लिखो मेजरमेंट ऑफ आर एल बी पी, लिखो हेडिंग, लिखो मेजरमेंट ऑफ आर एल बी पी फ्रॉम ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड, ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड, ठीक है जी।
है जी। ओके, तो इसके इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब कुछ फिगर्स ड्रॉ करते हैं, उससे ही हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। ये बंद ये कंटेनर है हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। अच्छा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, अगर सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे वेपर्स हैं और यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया है। इस पॉइंट पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए, आया ना, अगर ये ए प्लस बी था, ठीक है। और बी जो होगा यहाँ पे वो होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्लियर हुई बात। तो एक सोल्यूशन है जिसमें ए इज द सॉल्वेंट, बी इज द सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल, और उसका एक सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पर बंद कंटेनर में एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो जो अब वेपर प्रेशर है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू पी ए, इतना अपने को क्लियर है, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स से कि हमने अब क्या किया, यहां पर एक इधर से एक नली डाली और इधर से इसका आउटलेट ले लिया, यहां ये इन ये आउट, यहां पर हमने ड्राई एयर डाली है, यहां पर हमने ड्राई एयर डाली है, ठीक है जी। अब क्योंकि लेट्स से कि यहां पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है ना, तो यहां पर क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो सिर्फ और सिर्फ वेपर्स किसके होंगे, वाटर के। गुड, अच्छा ये ध्यान रखना, हम आर एल बी पी या जो भी, दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, जितने भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो सारे के सारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है, ध्यान रहेगा। गॉट इट। तो डी ए ड्राई एयर यहाँ एंटर करेगी, अब यहाँ पे वाटर के वेपर्स होंगे, ठीक। तो ड्राई एयर की कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, तो व्हाट विल इट डू, इट विल टेक अप दिस मॉइस्चर, ठीक है, इट विल टेक अप दिस मॉइस्चर। तो अब क्या बन जाएगी, ये मॉइस्ट एयर बन जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसमें मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर होगा, जो एक्वस टेंशन होगी इस केस में, जो एक्वस टेंशन होगी इस एयर की, दैट विल बी इक्वल टू पी ए, है ना भाई। जितना इसमें वेपर प्रेशर था वाटर का, ये उसे उठा के ले आएगा, ठीक है। तो जो इस मॉइस्ट एयर में एक्वस टेंशन है या इस मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू पी ए, ठीक। अच्छा अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हुआ क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास क्या किया, डिक्रीज किया कि नहीं किया, मेरे को बताओ, सिंपल है, डिक्रीज किया होगा, क्यों, क्योंकि इसके जो वेपर्स थे वो उनको उड़ा के ये ड्राई एयर ले गई, ठीक है। और जो वेपर्स की कमी यहां आई होगी उसको पूरा किसने किया होगा, सोल्यूशन ने, क्लियर। ओके, ये ड्राई एयर थी, अभी ये मॉइस्ट है, मतलब इसने कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो इसका क्या होगा, मास बड़ा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स से कि इसमें जो मास लॉस्ट हुआ है, ठीक है, लॉस इन मास, यू कह लो लेट्स से लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये मान लो हम किसी तरीके से मेजर कर पाते हैं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं, लेकिन मान लो हम किसी तरीके से मेजर कर पाते हैं, तो दैट विल बी डायरेक्टली लाइक लेट्स से कि दैट इक्वल्स टू एक्स, हमने बोला एक्स है, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए है और नॉट, है ना, पी ए के प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। भाई जितना मास यहां से मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा, या यूं समझ लो इसके अंदर जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उतना ही उसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, एक्वस टेंशन ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वेपर्स थे ये ज्यादा मात्रा में लिए गए, और अगर ज्यादा मात्रा में लिए गए तो इसका जो मास घटेगा वो ज्यादा ही मात्रा में घटेगा, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। मान लो सेम ही चीज या सिमिलर सी ही चीज हम कर रहे थे एक सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट जो इसमें ए था, ठीक है, इस सॉल्वेंट के साथ कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ए, यहां पे लिक्विड है,
यहाँ पे वेपर्स हैं, यहाँ पे भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा, इस केस में वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, क्यों, क्योंकि प्योर का है, ठीक है। तो और या दैट्स इट। अभी फिर इसमें हमने वही काम किया, इसमें भी हमने एक नली लगा दी, ठीक है, तो इसमें भी हमने वही नली लगा दी, और यहां पे हमने सेम चीज करी, यहां पे हमने इधर से ड्राई एयर डाली, और क्योंकि यहां पे वेपर्स रहे होंगे तो ये ड्राई एयर अब मॉइस्ट एयर बन गई, और फिर इसमें एक्वास्टेंशन जो आया होगा, एक्वास्टेंशन मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स दैट विल कम आउट टू इक्वल टू पी नॉट ए, हाँ ना भाई, इस केस में तो पी नॉट ए था ना, तो ये हो गया। अच्छा अगर इसके केस में देखें, इसके केस में देखें तो यहां पे भी लिक्विड का मास डिक्रीज किया और एयर का मास इंक्रीज किया, तो लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, मान लो ये वाई था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी नॉट ए, है ना। मान लो इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, और तुम्हें बोल दिया कि इसका जो वेट लॉस है, लॉस इन वेट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एक्स एंड लॉस इन वेट ऑफ दिस सॉल्वेंट इज वाई, तो तुम कैसे निकालोगे आरएलवीपी। भाई आरएलवीपी क्या होता है, आरएलवीपी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए को क्या रिप्रेजेंट करता है वाई, और इसको क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स अपॉन वाई। तुम चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में है, तो यू कैन राइट इट एज एक्स इक्वल टू के पी ए और यहाँ पे वाई इक्वल टू के पी ए नॉट, ठीक है। अगर तुम यही वैल्यूज यहाँ डाल दोगे, इसको के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया वही आएगा, के पी ए पी नॉट ए ऊपर माइनस के पी ए यहाँ ऊपर और के पी ए नॉट ऊपर, ठीक है, ये क्या देगा y माइनस एक्स अपॉन वाई, तो यहां से भी वही आ रहा है ना, जो मैं कर रहा था वही है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना इंटेलिजेंट बन जाओ तुम कि भाई जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू क्या देगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, तो इसी तरीके से इसे हम बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो तुम्हारा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक एग्जाम्पल, अच्छा इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, चलो इसको मिटा रहा हूँ। एक चीज और है, यहाँ पे जब मैंने बोला पी ए, ठीक है, ये जो मास है यहाँ पे दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी ए, ये कैसे आया, देखो भाई जो मास लॉस हुआ होगा वो इस यहाँ पे जो ऊपर रहा होगा मास, उसी का तो वही तो लॉस हुआ होगा, तो देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है भाई। अच्छा ये वेपर्स के बारे में लगा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे वेपर्स थे उनके बारे में लगाओ, इस वाली वेपर्स का पार्शियल प्रेशर क्या है, या वेपर प्रेशर क्या है, पी ए इंटू वी, वी जो भी होगा इसका, ठीक है, अच्छा जो भी होगा कॉन्स्टेंट ही तो होगा। अच्छा ये हो गया एन ए इंटू आर और टी, टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना दोनों में टेम्परेचर टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए आ रहा है, ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर्स, जैसे मास ऑफ वेपर समझ लो, तो अगर मैं उसको एक्स मान लू तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए अपॉन एम ए, अब एम ए भी तो कॉन्स्टेंट होता है, तो कैन आई नॉट राइट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, आया ना, ये क्लियर होगी बात, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए या पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये ऐसे आ गया, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ साहब, ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले में थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे हम, ठीक है, इस इनफैक्ट इस तरीके से समझो इसको, हमने क्या किया, हमने यहां पे एक यहां पे हमने एक
थ्री लाइन क्यों बन रही है यार? यहाँ पे हमने सॉल्यूशन रखा है ए प्लस बी, ठीक है जी। इधर लिक्विड है, इधर वेपर्स है। यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए है, ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, दिस विल बी पी नॉट ए, ठीक है। अब बताता हूँ एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए और बी है, और बी इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर होगी भाई बात? सोल्यूशन सोल्यूशन ए बी का है, लिक्विड है, यहाँ पे वेपर से इनके बीच में, तो यहाँ पे प्रेशर पी ए हो गया। अब मान लो हमने यहाँ पर वही एक कुप्पी सी डाली, और ठीक है यहाँ से ड्राई एयर लिया, ठीक है, तो ड्राई एयर हमने यहाँ से डाली। अच्छा, इधर से कुप्पी निकाल ली। अभी ये ड्राई एयर नहीं है, अभी क्या हो जाएगी, मॉइस्ट एयर। लेकिन इस मॉइस्ट एयर में जो एक्वस टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए, है ना। ये तो पहले वाला था, मैंने यहाँ की जगह यहाँ बना दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये आ चुका है यहाँ से आ, तो अभी इधर वेपर्स इसमें है, अभी यही वेपर्स यहाँ एंटर कर रहा है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि लोवरिंग एंड वेपर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर रहेगा कि नहीं? यस रहेगा। अच्छा, अगर रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ प्रेशर होगा, या यूं समझो, यहाँ से एंटर करने के बाद कुछ मॉइस्चर यहाँ से उठाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पे मॉइस्चर का नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो भी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, थोड़े से और सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा है या वेपर ज्यादा है, वो थोड़े से और उठा लेगा। तो अब जो यहाँ पे मॉइस्ट एयर आई है उसका जो प्रेशर होगा या एक्वस टेंशन होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। क्लियर होगी बात, है ना। तो अगर यहां पे x इज दी वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए होगा। मान लो कि यहां पे जो वेट लॉस हुआ है वो y है, और वेट लॉस कौन सा होगा, जो x है ऑलरेडी जो हो चुका है उसके ऊपर, तो y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट a माइनस पी ए, क्योंकि पी ए तो ऑलरेडी था ही इसमें, पीए लायक जो मॉइस्चर था वो तो ऑलरेडी एयर में था ही था। अब यहां पर जो लेके गया थोड़ा बहुत मॉइस्चर वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब अगर मान लो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में आगे भी दिखाया है, आगे का दिखाया है कि तुमने एक यूट्यूब में इसको एंटर करवा दिया, ठीक है, यहां पर क्या है तुम्हारे पास, यहां पर तुम्हारे पास है ड्राई सी ए सी एल टू, दिस इज ड्राई सी ए सी एल टू। अब यहां पे इसमें क्योंकि ड्राई सी ए सी एल टू क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जितना भी मॉइस्चर होगा यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहां पे गेन इन वेट, यहां पे क्या होगा, वेट लॉस होगा, यहां पे क्या होगा, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा, एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मान लो वो वेट गेन z है, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्योंकि अभी ये p नॉट a इज द एक्वस टेंशन, तो ये जो मॉइस्चर इसमें पड़े होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, p नॉट a के, ठीक है, तो यहां पे आएगा p नॉट a, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं तुमसे पता लगवाना चाहता हूं दिस RLVP क्या आएगा, P नॉट A माइनस पी ए वाई अपॉन वेट गेन कितना है, P नॉट A आएगा ना नीचे, तो वेट गेन कितना है, Z, Y अपॉन Z आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात, इस तरीके से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम हुआ भाई, 25 मिनट हो गए, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ज्यादा समय लगाने पे वाइज नहीं होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा तुमको, एक क्वेश्चन करते हैं बस, और ज्यादा नहीं,
याला क्वेश्चन बाद में लेंगे, याला क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे, ये मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है वो देखो, इधर सॉल्वेंट डाला उसमें सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे उसने सॉल्वेंट डाला है, इधर यहाँ सॉल्वेंट रखा उसने, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा जी, सॉल्वेंट डाला उसने और सॉल्वेंट ए डाला है, ठीक, और यहाँ पर उसने सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, सॉल्यूशन ए प्लस बी, देन अगेन बी यहाँ पे क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है जी। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो सेम सी सिचुएशंस होंगी भाई, यहाँ लिक्विड वेपर का होगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर पी नॉट ए आएगा, यहाँ पे पी ए आएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी यहाँ पे उसने एक और चीज जोड़ दी है, इधर उसने क्या रखा है, एक डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाया उसने दोनों के दोनों, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज नॉट देयर, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, दिस इज नॉट देयर, ये नहीं है, इतना ही है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें क्या किया इसने, ड्राई एयर डाली, इसने कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया तो ये ड्राई एयर क्या हो गई, मॉइस्ट एयर बन गई, ठीक है। यहाँ पे लेट से वेट लॉस जो था, वेट लॉस इक्वल्स टू एक्स ग्राम्स है, यहाँ पे क्या होगा, जब ये मॉइस्ट एयर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के पास आएगी तो यहाँ पे जो वेट गेन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स, हाँ ना, और फिर से ये ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये फिर से ड्राई एयर आएगा तो उतना ही मॉइस्चर उठाएगा जितना इसके उससे उठा सकता है, तो यहाँ पे क्या है ड्राई एयर, यहाँ पे फिर मॉइस्ट एयर, लेट्स से कि यहाँ पे वेट लॉस जो है वो वाई है, वेट लॉस इक्वल्स टू वाई ग्राम्स, ठीक है जी, वाई ग्राम, वाई ग्राम, तो यहाँ पे जो वेट गेन होगा इस जगह पे वो क्या होगा, वो भी वाई ग्राम होगा, यहाँ पे एक्स ग्राम था, यहाँ वाई ग्राम है। अच्छा, ये एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए, और यहाँ पे वाई विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, सॉरी पी ए, बस, तो ठीक है, अब इसमें डाल दो, आर एल वी पी क्या आएगा, आर एल वी पी इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो सिंपल इनफ। मान लो कि इसको मैं उल्टा कर देता, मैं इसको उल्टा कर देता यहाँ, अच्छा चलो एक सेकेंड, इधर ही पे देखते हैं, उल्टा क्यों करना, पहले इधर पे देखते हैं, यहाँ पर इसने, अच्छा लेकिन यहाँ तो मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया ना, चलो ठीक है, मान लो इसी वाले में मैं, ये तो समझ में आ गया होगा, मैं इस पे ये नहीं करता, लेट से मैं इस तरीके से इसको कर देता, ये भी मॉइस्ट एयर ही है। अब यहां देखो, इसने जो इसका जो प्रेशर रहा होगा एक्वासेंशन, इस वाली मॉइस्चर का वो रहा होगा पी नॉट ए के इक्वल, लेकिन यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए से कम है, तो इस केस में ये यहां से मॉइस्चर उठा के नहीं जाएगा, यहां मॉइस्चर छोड़ के जाएगा, अगर मॉइस्चर क्यों, क्योंकि यहां पी नॉट ए पी ए से ज्यादा है, ठीक है, तो जब एक्वासेंशन ज्यादा होगी और यहां पे वेपर प्रेशर कम है तो क्या करेगा, कुछ मॉइस्चर छोड़ के तब जाएगा, तो यहां पर जो जो यहां पे वेट लॉस है वो तो पी नॉट ए के, उसमें यहां वेट गेन होगा, लेट्स से वाई ग्राम है तो वाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, और यहां पे वेट गेन जो आएगा वो एक्स ग्राम से आएगा, ठीक है, सॉरी एक्स ग्राम नहीं, यहां वेट लॉस है, हाँ यहां पे आएगा वेट गेन जो होगा यहां पे एक्स माइनस वाई ग्राम आएगा, क्लियर होगी बात, दोबारा बता रहा हूं सिंपल तरीके से, ड्राई एयर यहां से लिया, यहां पे वेपर्स थे इसने पिकअप कर लिया, अभी इसकी एक्वासेंशन इसके इक्वल होगी पी नॉट ए के इक्वल, लेकिन जब ये यहां पे गया तो पी नॉट ए जो एक्वासेंशन है वो ज्यादा है ना, और यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है अंदर वेपर्स का वो कम है, तो क्या करेगा, उनकी बराबरी करने के लिए कुछ मॉइस्चर शेड करके तब जाएगा,
अगर शेड किया तो भाई इससे वही मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा उसने, तो वेट लॉस तो नहीं होगा। जब शेड करके जाएगा तो वेट गेन होगा, यहाँ पे वेट गेन हुआ, फिर यहाँ पर जो लेके गया वो यहाँ पर जो लॉस हुआ था, यहाँ के वेपर्स जो उसने उठाए थे और कुछ पार्ट जो उसने यहाँ पे छोड़ दिया, वो बचा हुआ पार्ट यहाँ गया और यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, वो पार्ट ये है, क्योंकि वेट गेन जो है वो वाई ग्राम्स है। ठीक है, इसको करना चाहोगे तो तुम समझ में आ जाएगा तुमको, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए और वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ये आ जाएगा। अब डाल लो, क्या आएगा आर एल वी पी इस केस में आ जाएगा वाई ऑन। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दे दूंगा। तो ये तुम्हारा आर एल वी पी हो गया जी। अब बात करते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बहुत हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। कैसे? देखो भाई, अगर इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है, देखो वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिला हो। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिला हो उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा, और जब प्योर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेट्स से कि ये दिस इज दी, अच्छा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करूंगा, ये 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अच्छा एक किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंडीशन में सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट ए, और उसी सेम कंडीशन में सॉल्यूशन का प्रेशर पी ए है, तो इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत क्रूड वे में बता रहा हूं, सिंपल, जिसका प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और जिसका प्रेशर ऑलरेडी कम है उसको फिर से 1 एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से देख सकते हो कि क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घटा हुआ है, या ये समझ लो, छोड़ो इतना सब, मैंने तो क्या बताया तुमको, वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, हाँ है ना? तो वेपर प्रेशर जिसका जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना? तो सिंपली हम देख सकते हैं क्योंकि देर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा यूजली ज्यादा ही होगा, और इस जो इंक्रीज जो है मतलब प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा जो बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, इस चीज को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे जिसको कहते हैं हम फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है ये सब पॉइंट्स लिखते चले जाना, इफ यू टॉक अबाउट वाटर, ठीक है वाटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम द अदर टू, एटलीस्ट तीन में तो करता ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, ओके, नाउ अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक, तो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस है तो किस पे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में, और 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पे बात हो रही है, ध्यान रखना। और तीसरा अगर मान लो 150 डिग्री सेल्सियस है और 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है तो किस पे करेगा, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो अब जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि ये एक बारी बता रहा हूं कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, एक बारी बोल रहा हूं कि ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक बारी बोल रहा हूं कि गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि किसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, किसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में जो स्टेट मैं कह रहा हूं कि जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो उसकी सबसे स्टेबल स्टेट होगी। दिस इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट। हम अभी तक क्या सोचते थे कि अगर वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है तो
उसके मतलब रीजन हम देते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसमें जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उस केस में वो उस स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ द थ्री है दैट इज द सॉलिड स्टेट, तो इसलिए वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। एट 50 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ द थ्री स्टेट्स इज लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई वाटर विल एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट। एट 150 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर the most stable state out of the three is the gaseous state. That's why water will exist as a gas at 150 degree Celsius 1 atmospheric pressure. ठीक है? अब इसको graphically represent करने के लिए हम एक diagram बनाते हैं जिसको हम कहते हैं phase diagram. ठीक है? जिसको हम कहते हैं phase diagram. तो इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिख लो. जो चीजें मैंने अभी बताई वो तो लिख ही लेना. ठीक है? इसमें लिखो. फेज डायग्राम्स टेल एग्जैक्टली, बेसिकली दे टेल एग्जैक्टली दिस ओनली कि किस स्टेट में या सॉरी किस कंडीशन में कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस किस स्टेट में उस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। फिर लिखो, फेज डायग्राम्स शो द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर under which a particular form of the substance is most stable. ठीक है, under which the a particular form of the given substance is the most stable. ये तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है जी, ओके okay. अच्छा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि स्टेबिलिटी तीनों की कुछ ना कुछ होगी, लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी किसी एक की ज्यादा होगी। लेट्स से कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड की ज्यादा है, लिक्विड की कम है और गैस की उससे भी कम है, तो मोस्ट ऑफ इट विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, इट विल नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड, इट विल नॉट एग्जिस्ट एज गैस। तो ये भी कह सकते हैं हम, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, इट गिव्स यू an idea about the relative stability of the form of the various forms of the various forms of a given substance of the various forms of a given substance at a particular pressure and temperature. ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ये भी लिख लेना। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, इन सब चीजों को लिख लेना। ठीक है, इधर ध्यान लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ओके नाउ अभी मैं यहां पे एक फेज डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट रेडिली यूज्ड सॉल्वेंट ऑल अक्रॉस केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं वाटर का ही बना रहा हूं। उससे पहले मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं तुम्हारे लिए, विच इज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये वो प्रेशर और टेम्परेचर होता है। ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस और फिजिकल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, एंड यू विल बी लाइक वाओ, क्योंकि जब मैंने सुना था कि साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, तो आई वाज लाइक तीनों के तीनों स्टेट्स में एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है इस चीज को कि तीनों के तीनों स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, वो सॉलिड दिखेगा भी, वाटर भी दिखेगा और गैस भी दिखेगा, वाओ। So what I did is basically I searched on YouTube. तो तुम्हें भी एक वीडियो है पर्टिकुलर, मैं भेज दूंगा, उसे देखोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ओ हाउ डज इट लुक लाइक। तो होता क्या उसमें कि उसमें वाटर या एक पीटर डिश समझ लो, उसमें वाटर होता है, वाटर के ऊपर एक आइस की लेयर जम जाती है और उसी वाटर में से वाटर वेपर्स भी निकल रहे होते हैं, बबल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो देखना, देख के ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा
समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ में ये आना चाहिए, ये ट्रिपल पॉइंट किसी के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, जब उसमें सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो अभी जब मैं इसका फेज डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा, क्लियर हो गया ये बात है। तो लिखो टेंपरेचर प्रेशर एट व्हिच गिवन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री फेजेस। तो यहां पे लिख सकते हो सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अब इसका फेज डायग्राम बनाते हैं, मैं से मिटा रहा हूं, एटलीस्ट इतना तो मिटा ही रहा हूं, ठीक है जी। यहां पे समझो हमने प्रेशर और टेंपरेचर का एक ग्राफ बनाया है, इधर पे प्रेशर है इधर पे टेंपरेचर है, ठीक है। तो ये प्रेशर और ये टेंपरेचर है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक ऐसा लाल ग्राफ बनाया है, ठीक है जी। यहां पर क्या क्या चीज किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है एक एक करके देखते हैं। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स गैसियस फेज, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स लिक्विड फेज, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स सॉलिड फेज। यहां पर इस एरिया में, ये एरिया में लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस, इधर पे सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इस एरिया में सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। यहां पर सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों मिल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। मैं इसको टीपी से रिप्रेजेंट करता हूं, या इसको ऊपर लिख देता हूं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक, वाटर के लिए स्पेसिफिकली थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो, अब जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कभी भी बोलूंगा इन जनरल, I will be talking about normal boiling point. मैं तुम्हें normal boiling point और boiling point में difference समझा चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। Boiling point हम उस temperature को कहते हैं किसी भी liquid के लिए, किसी भी liquid का boiling point वो temperature हुआ जब उसका vapor pressure, उस liquid का vapor pressure will become equal to the external pressure. अभी external pressure कुछ भी हो सकता है, तो ये तो boiling point की definition होगी, external pressure कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atmosphere। तो अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर 1 atmosphere रखा है, ठीक है, और उस एक्सटर्नल प्रेशर पे 1 atmosphere पे हम किसी भी लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं, मतलब उसके वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atmosphere लेके आ रहे हैं, तो वो टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स से This is 1 atmosphere. ये 1 atmosphere is the vapor pressure. ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये वो temperature है जिसपे ये gas बन चुका है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 100 degrees Celsius या 273 Kelvin है ना, क्योंकि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये जो होता है ये कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, है ना, सिंपल है ना। प्योर वाटर है, वाटर का 1 atmospheric प्रेशर पे 0। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0.1 डिग्री सेल्सियस, और जो ये प्रेशर होता है That is 4.58 है क्या? Yes, 4.58 mm of Hg, मतलब बहुत ही कम प्रेशर। 760 mm Hg जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तुम देख रहे हो 4.58 mm Hg का मतलब क्या हुआ, बहुत ही लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर। अगर उस लो प्रेशर पे तुम वाटर को इस टेम्परेचर पे ले आओ, तो यू विल सी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, दैट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो या, तो दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा जानने की अभी जरूरत नहीं है। अगर तुम देखोगे यहां पर गैस, यस, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में दोनों के दोनों, या गैसियस और लिक्विड फॉर्म दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है,
इधर पे अगर तुम राइट चले जाओगे तो गैसियस विल बी मोर एज कम्पेयर टू लिक्विड, और अगर तुम लेफ्ट रहोगे तो लिक्विड विल बी मोर एज कम्पेयर टू गैस। सेम हियर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेज डायग्राम ऑफ वाटर हो गया। अब इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैसे यूज करेंगे वो देखो। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से जीरो से लेकर, या ये कर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को तुम्हें देखना है, ये पॉइंट की हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है जी। कहीं और है बाबा, ठीक है, ठीक है। कोई पॉइंट ऑल एग्जिस्ट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। अब बात करते हैं, हम सेम ग्राफ को थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इधर मैं इंस्टेड ऑफ प्रेशर अभी वेपर प्रेशर रख रहा हूँ, इधर टेम्परेचर रख रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं एक बार तुम्हें बता, चलो ठीक है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर की बात कर लेते हैं। इस वाली वाटर के लिए हमने देखा था जो इसका वेपर प्रेशर का जो कर्व जा रहा था वो कैसा था, वो ऐसा कुछ था ना, है ना, ऐसा ही कुछ था। ये तो सॉल्वेंट के लिए हो गया, यहां मैं प्योर लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देता हूँ, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना, या यूं समझ लो कि हमने जब सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, सॉल्यूशन का घट जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, सेम सिमिलर पॉइंट पे, सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखूंगा तो वो थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, है ना। ये कोई टी टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर पे अगर इसका वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर इसका भी बढ़ेगा लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो कर्व जैसा सॉल्वेंट का था, कर्व वैसा ही तुम्हारा सॉल्यूशन का भी रहेगा, लेकिन इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो थोड़ा थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये हमको पता ही है, क्यों, क्योंकि देर इज रिलेटिव, देर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर होगी ये बात, ठीक है, ओके। नाउ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमने उस वक्त देखा था कि भाई अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए। अब वो यहां से कैसे आएगा उसको देखो। देखो मान लो ये तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, दिस इज 1 atm, ठीक है। तो सॉल्वेंट की बात, अच्छा सॉल्वेंट में यहां पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट को देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टी टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर समझ लो, लेट मी कॉल इट T0B, ये क्यों कर रहा हूं बताओ। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पे इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर आ गया, तो इस टेम्परेचर को मैं क्या कह सकता हूं, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ना। T0, T टेम्परेचर के लिए, B फॉर बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और क्योंकि प्योर है तो मैंने T0 लगा दिया, क्लियर हो गया। सेम वे तुम सॉल्यूशन के लिए भी आ जाओ, सॉल्यूशन को क्या करो, सॉल्यूशन में भी धीमे धीमे तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एक टेम्परेचर TB पे इसका वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी अब बॉइल करना शुरू हो चुका है, क्लियर होगी बात। ये TB का मतलब क्या हुआ, क्योंकि प्योर नहीं है तो T0 नहीं लगाया, T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग, तो बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा यहां से तुम्हें दिख ही रहा है क्योंकि ये लोअर था, मतलब कर्व सेम था, कर्वेचर सेम था लेकिन इससे लोअर
लेवल पे जा रहा था, तो अगर ये वन एटमॉस्फेयर कट करेगा तो एक आगे की मतलब आगे जाके कट करेगा, और यहां से हम देख सकते हैं दैट टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। तो यहां से तो एक चीज तो प्रूव हो गई ना, एक चीज तो प्रूव हो गई ना दैट देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो क्लियर है ना, यहां से दिख रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। ठीक है जी, ओके, तो लिखो इसमें वी, इसकी थ्योरी लिख लो। वी ड्रॉ वीपी वर्सेस टी डायग्राम, ठीक है, इन विच वी फर्स्ट ड्रॉ द कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एज वी हैव सीन वीपी वर्सेस टी डायग्राम फॉर अ प्योर सॉल्वेंट इज अ कर्वेचर विद इंक्रीजिंग स्लोप, अ कर्वेचर विद इंक्रीजिंग स्लोप। याद होगा वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था तो हमने वहां पे कर्व बनाया था, वो इस तरीके का ही था। ठीक है, और इनफैक्ट तुम ट्रिपल जो फेज डायग्राम अभी हमने देखा था उसमें भी इस तरीके से ही आ रहा था। ठीक है, टू नो द एनवीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेट अस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर इट कट्स द ग्राफ फॉर द सॉल्वेंट दैट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट सॉरी द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ अगेन वी ड्रॉ दी ग्राफ फॉर अ सोल्यूशन, द ग्राफ विल हैव द सेम कर्वेचर और एंड विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल टू दी ग्राफ ऑफ दी कर्व ऑफ द सॉल्वेंट, बट बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज लो द ग्राफ विल रन पैरेलली एट अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। Where this graph cuts the one atmospheric line, that temperature corresponds to the boiling point of the solution, and this is what we have. Clear हो गई बात? ठीक है जी, इतना यहाँ तक हम जान लेंगे। Nature but same nature blah blah blah, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसी को अगर मुझे दूसरे तरीके से प्रूव करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तक देख लो, इसी को अगर मेरे को दूसरे तरीके से प्रूव करना हो तो मैं कर सकता हूं। वो क्या है तरीका? मान लो कि मैं एंथैल्पी के नजरिए से देखता हूं इसको, थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से, थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से देखता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी के बेसिस पे देखता हूं। तो अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे तीन चीजें हैं, यहां पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और वेपर है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो एंट्रोपी ऑफ वेपर्स होगी और एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट होगी और एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तुम बोलोगे सर एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए हमें उसको देखने की अपनी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूं उसके लिए तीनों देख लें। लेट से कि अगर मैं इनको एक वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहूं तो ये तीनों की तीनों कैसी होंगी, एक दूसरे से ज्यादा या कम होंगी, है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? वेपर्स की। क्यों? क्योंकि इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डर ज्यादा है, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू एस वेपर, दिस विल करस्पॉन्ड टू द एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द वेपर्स। अच्छा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूशन में किसकी ज्यादा होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने तुम्हें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताया था कि डेल्टा एस फॉर अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस कि उसकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ जाती है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की, तो एस सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा होगा, एस सॉल्वेंट जो होगा वो कम होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट से वेपर में जाने के लिए लेट से डेल्टा एस सॉल्वेंट है, ठीक है, डेल्टा एस सॉल्वेंट। अच्छा, ये यहां से यहां जा रहा है तो इसमें चेंज कितना आएगा? डेल्टा एस सॉल्यूशन आए ना भाई, सॉल्यूशन अगर वेपर में जा रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी कितना है? इतना। अगर सॉल्वेंट वेपर्स में जा रहे तो चेंज इन सॉल्वेंट सॉरी चेंज इन एंट्रोपी कितना है? एस डेल्टा एस सॉल्वेंट। दिख रहा है, यहां से साफ साफ दिख ही रहा है कि ये इससे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए हालांकि अलग अलग होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है?
अगर मैं डेल्टा एस वेपराइजेशन की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। ये टी क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट। किसका? जिस भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए। तो यूं समझो, डेल्टा एच वेपराइजेशन वो एनर्जी या एंथैल्पी होती है जो किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइज कब करना है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी पे अगर तुम वेपराइज करोगे तो डेल्टा एच उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल गिव यू एंट्रोपी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। तो अगर मैं इस ये जो चीज मैंने यहां पे ये ध्यान रखना ना, डेल्टा एच जो दोनों के लिए डिफरेंट होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। ये जो डेल्टा एस वेपराइजेशन है, अगर मैं सॉल्वेंट के लिए लिखूं क्या आएगा? डेल्टा एस वेपराइजेशन सॉल्वेंट, ये इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन। मैं दोनों के लिए इक्वल लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो मैं दोनों डेल्टा एच सेम लिख रहा हूं दोनों के लिए। यहां पे क्या आएगा? क्योंकि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहां पे? टी नॉट बी है ना। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं कहता हूं डेल्टा एस वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना आएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन। मैंने क्या बोला? दोनों में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों को सेम ले लिया। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? टीबी। यहां से तुम देख सकते हो कि दैट दिस इज हायर, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। इसका यू समझ लो डेल्टा एस वेपराइजेशन सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस वेपराइजेशन सॉल्यूशन। ये ठीक है, ये क्लियर होगी बात? अच्छा, इसकी वैल्यू यहां रख दो, उसकी वैल्यू यहां रख दो। यहां क्या आया? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन, ये सॉल्वेंट है ना, तो टी नॉट बी आ जाएगा नीचे, ये क्या होगा? ग्रेटर देन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी नॉट, सॉरी टी बी। क्लियर होगी? डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों के लिए सेम है, तो टी बी इधर आ जाएगा, टी नॉट बी उधर आ जाएगा। अगर तुम इसको देखो तो यहां से भी टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी आ रहा है। ठीक है। तो यहां से भी ये प्रूव होता है कि दैट देयर इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। तो तीन तरीके से हमने देखा, एक तो हमने बोला कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हमने इस ग्राफ से देखा कि TB इज ग्रेटर देन T नॉट B, और तीसरा हमने यहां से देख लिया दैट TB इज ग्रेटर देन T नॉट B। ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, बस अब यही बचाया और कुछ एक क्वेश्चन है। कितना टाइम हो गया? 58। 10 मिनट और ले लेते हैं, इसको कंप्लीट कर ही डालते हैं। ठीक है। तो ओके, डेरिवेशन कैसा होगा इसका? सिंपल है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस करनी पड़ेंगी। कुछ बुक्स में ये इस ग्राफ से इसको वो करते हैं, डिराइव करते हैं। मैं यहां से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। अरे यार, ये टी नॉट भी तो मिटा दिया मैंने, गलत कर दिया। ठीक है, ये TB is greater than T not B, ये तो यहां नहीं करेगा। अब देखो इसको ध्यान से, देखो प्योर का जो वेपर प्रेशर क्या है, प्योर का वेपर प्रेशर है P not A। ठीक है। और उसका वेपर प्रेशर कितना है? PA। ठीक है। याद होगी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी? LN P not A upon PA is equals to delta H vaporization upon R into 1 upon TB, क्योंकि sorry T not B minus 1 upon T not, sorry T not नहीं, TB है ना। P not upon P not जो कि higher pressure upon lower pressure equals to delta H upon R into 1 अपॉन टी नॉट बी जो कि लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर है और टी बी जो कि हायर टेम्परेचर है। ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, आर तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इतना क्लियर हो गया जी। अब आगे की बात करें, देखो भाई टी नॉट ए अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन टी नॉट ए अपॉन
एक्स ए इंटू पी नॉट ए है ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, ये इसको ऐसे रहने दो, डेल्टा एच वेपराइजेशन। अच्छा इसमें इसको मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी अपॉन टी नॉट बी इंटू टी बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहां से यहां ये कट सकता है, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ln 1 अपॉन एक्स ए। अच्छा 1 को 1 अपॉन एक्स ए मैं यहीं पे कर रहा हूं, ज्यादा जगह नहीं है तो दोबारा नहीं करने के लिए। 1 को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स ए प्लस एक्स बी है ना। अच्छा इन ये इक्वल टू कितना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर। जहां पे जो कुछ अप्रोक्सीमेशन मैं कर रहा हूँ ना वो तुम यहाँ पे बगल में लिख लेना, ठीक है, इतनी जगह नहीं कि मैं पूरा लिखूं, डिराइव करा रहा हूँ, बगल में लिख लेना कि भाई वन इक्वल एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो वन को हमने एक्सपैंड करके लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ कि हालांकि टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, लेकिन ये आसपास होंगे तो मैं इसको ले सकता हूँ टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन ये टी बी माइनस टी नॉट बी। ये जो है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी बी and this is called elevation in BP. This is called elevation in BP. यहाँ पे delta TB आ जाएगा ना कि नहीं, ठीक है, TB minus T not B. clear हो गया, ये आ चुका है तुम्हारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं ln 1 plus XB upon XA equals to delta H vaporization upon R into डेल्टा टी बी अपॉन टी नॉट बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर तुम देखो तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तो तुम्हें याद होगा ln 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, या तो फैक्टोरियल होता है या जो भी है। यहाँ पे अगर x बहुत छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल होगा, बाकी सब तो नेग्लिजिबल हो ही गए। तो ln 1 plus x को हम approximately x लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे x की जगह क्या है, xb upon x है, तो हम इसको approximate कर सकते हैं according to that and we can write xb upon xa equals to delta h vaporization upon r into delta tb equals to do क्या ये t not b का whole square। अच्छा अब तुम्हें एक बार याद होगा xb upon xa क्या होता है, xb upon xa को अगर मेरे को चेंज करना है मोलालिटी में, तो मैं मोलालिटी को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या करना पड़ता था, xb upon xa 1000 upon, ठीक है, ओके। तो अगर मैं 1000 अपॉन एम ए से दोनों इधर उधर दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई कर दूं 1000 अपॉन एम ए से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बी अपॉन एक्स ए इनटू 1000 अपॉन एम ए, एम ए मतलब मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इनटू डेल्टा टी बी अपॉन नॉट बी का होल स्क्वायर इनटू 1000 अपॉन एम ए। ठीक है, इस चीज को मैं स्मॉल एम लिख सकता हूँ, मोलालिटी, इसको मोलालिटी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद ना हो तो भाई याद कर लेना, दिस कैन बी रिटन एज मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, एम इज इक्वल टू, ये पूरा एम के इक्वल पे स्मॉल एम लिख सकता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इंटू 1000 एम ए इंटू 1 अपॉन टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी बी है ना। अगर मैं डेल्टा टी बी को कैलकुलेट किया उसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मुझे ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर लगाना पड़ेगा और जो न्यूमिनेटर है उसे नीचे लाना पड़ेगा, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू एम इंटू आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू एम ए अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000। ठीक है,
एम इंटू आर टी आर टी नॉट भी अपन थाउजेंड इंटू एच वेपराइजेशन। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल इनफ, ठीक है। अगर मैं ये जो क्वांटिटी है जो इसको रिप्लेस कर दूं एम इंटू के बी से, तो हम यहां पे देख सकते हैं दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम इंटू के बी, और के बी यहां पे क्या है, के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू एम ए अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू थाउजेंड। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। बस एक चीज और करवाऊंगा, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस जो होंगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और बाकी के जो दो बचे हुए उनको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू के बी, के बी समझ में आ गया क्या है, के बी इज दिस क्वांटिटी, दिस इज योर के बी, ठीक है जी, कूल। अब क्या था, सॉरी, ठीक है। यहां पे जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे, हाँ इधर मिटा रहा हूं। डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होता है, अगर मैं कहूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी कि एक ग्राम को किसी भी सब्सटेंस के एक ग्राम को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज करने के लिए कितना हीट की जरूरत है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। और जो डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है वो एग्जैक्टली मतलब सिमिलर है, लेकिन एक ग्राम की जगह एक मोल हो जाता है, मतलब एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कितनी एंथैल्पी की जरूरत होगी, वो डेल्टा एच होगा। तो अगर मैं चाहूं तो मैं एल वी, इसको अगर मैं एल वी से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको अगर मैं एल वी से रिप्रेजेंट करता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे, जो उसका मोलर मास होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से मिटा रहा हूं, यहां पे मैंने डेल्टा एच KB को क्या लिखा है, KB इक्वल टू K बड़ा है, KB इज इक्वल टू R इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू एम ए, अच्छा ये जो एम ए है इस इंटू थाउजेंड इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो तुम अगर देखो इसको, मैं इनके बीच में इस फॉर्मूले को लगा दूं तो क्या आएगा, LV इंटू एम ए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, LV इंटू एम ए, एम ए से एम ए कट गया, तो मैं लिख सकता हूँ आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन थाउजेंड एल बी। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर के बी। आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ तुम्हारी क्लास, ठीक है। इसमें और भी है थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए, उसको बात करेंगे, ठीक, कंप्लीट हो गई, ठीक है, चलो बाय बाय।